मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यमुना जल समझौते का लाभ शेखावाटी क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। इससे इस क्षेत्र को पेयजल और सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने कल शेखावाटी के श्रीमाधोपुर स्थित करनपुरा में यमुना जल समझौता धन्यवाद सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार यमुना जल समझौते के पहले चरण में पेयजल के लिए 4 माह में DPR तैयार करेगी, साथ ही इसी कार्यकाल में शेखावाटी को पानी पहुंचाने का काम किया जाएगा। हमारे प्रदेश की जनता कहीं कोई चिकित्सा की सुविधा मांगती है, कहीं शिक्षा के लिए मांगती है, कहीं सड़क के लिए, कहीं पानी, कहीं क्योंकि उन्होंने जो काम किया था वो काम को इन्होंने आधार नहीं बनाया, कोई नीति नहीं बनाई। कांग्रेस की न नीति है न नियत है, इनकी नीति में भी खोट है और इनकी नियत में भी खोट है। मैं तो मैं बताना चाहता हूं, जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमारी सरकार का जो अंत्योदय का लक्ष्य था, हमारा गांव गरीब अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति, उसके लिए जो हमारा पार्टी का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को लेकर के हम चले थे। मैं आपको थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहूंगा, सबसे पहले राजस्थान में 1977 में भैरव सिंह जी की सरकार बनी थी, उन्होंने अंत्योदय की योजना पूरे देश में सबसे पहले लागू की, तो राजस्थान की धरती पे भी माननीय भैरव सिंह जी इससे का प्रस्ताव है।